वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के पकोड़े। लौकी के पकोड़े बनाना बहुत इजी होता है। हमने एक बड़ी लौकी को छील लिया है, छील के हमने उसके दो पीस ऐसे काट लिए हैं। अब हम जाएंगे इसकी स्लाइसेस काटने की तरफ। हमें इसे गोल गोल काटना है और ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में काटना है। इतना मोटा इतना पतला रखना है हमें। ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो ये जल्दी अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें पतला पतला ऐसे गोल गोल इसे काट लेना है। जब आप इसका पकौड़ा बनाएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि घी का पकौड़ा है। ये इतना टेस्टी बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लौकी की पकौड़ी गीली काट लिया है, हमें इतना पतला काटा है और ये बन के काट के तैयार है। अब हम जाएंगे इसे बैटर बनाने की तरफ। फ्रेंड्स, हमने बैटर बनाने के लिए ले रखा है थोड़ा सा बेसन। बेसन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। अभी हम चावल काटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको ऐसे ही बनाना है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फेंट लेना है। अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। ऐसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। थोड़ा पानी और लगेगा, हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है। ये देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम पकौड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने लौकी काट लिए हैं पकौड़े के लिए। हमारा बैटर भी रेडी है। बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, थोड़े दिन हमने सेट करने के लिए रख दिया था। उसे अच्छे से फेंट लेंगे और इधर हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है। इस पकौड़े बनाने की खास बात यह है कि हम इसे ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई करेंगे। थोड़ा तेल ले रखा है और इतना ले रखा है जितने पकौड़े आराम से बन जाए, और ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम दो दो तीन तीन करके पकौड़ों को तलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। ये हमने डिप करा इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से ऐसे झाड़ देना है और एक एक करके ऐसे इसमें डालते जाना है। तेल अच्छा गर्म हो तो तभी डालें और ज़्यादा तेज आंच पर ना सेकें। ऐसे ऐसे चार पीस लिया है हमने। अब इसे अच्छी तरह से दोनों तरह से हम कर लेंगे। थोड़ा सीक जाए तब हम इसे पलटेंगे। दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी ब्राउन करके हम इसे निकालेंगे। ये
बहुत हद तक अब ब्राउन हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया है। थोड़ा अभी और इसे करना है, दोनों साइड से अच्छे से इसको क्रिस्पी करना है। अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और हमें ज़्यादा नहीं करना है, अभी हो गए हैं, हम इसे निकालेंगे। हमने एक प्लेट ली है, अब हम जा रहे हैं दूसरे बैच की तरफ तलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे पकोड़े बनके तैयार हैं, बिल्कुल सही बन गए हैं, क्रिस्पी बने हैं, अच्छे बने हैं। आप भी एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, और अगर हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।